दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी मोहम्मद सादिक साहब की भी है, जो फिरोजपुर से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद हुसैन, गांव में उनका अपना स्कूल था, फिर लाजमी फौजी भर्ती की वजह से वो फौज में चले गए, और उस तरह से मैंने फिर एक दूसरे स्कूल में, मैं वहाँ या चौथी जमात प्राइमरी में चार जमातों की होती थी, तो प्राइमरी मैंने वहाँ की, और उसके बाद नंगलम्बिया इस्लामिया हाई स्कूल का था, उसमें मैंने दाखिला लिया पाँचवें जमात में। ये 1947 की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। मेरी पैदाइश है 36 की और पाकिस्तान बना 47 में, तो 11 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। पैदाइश तो मेरी है ज़िला फिरोजपुर, मेरे ननिहाल वहाँ से, तो बड्डूबाल नाम था गांव का। लाइफ मेरी सारी गुजरी उसी अपने गांव कन्या कला में, बहुत बड़ा गांव था। फिर उसके बाद उसका एक हिस्सा तो कन्या खुर्द और कन्या कला, ये अभी भी साहिवाल में नंगलम्बिया हाई स्कूल है, उसी की एक याद है। यहाँ स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा था। वो अंजुमन इस्लामिया का बनाया हुआ, ये चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं शुरू में, ये उनका गांव है। मेरे वो कज़न हैं। मेरी फैमिली ने अपनी ज़मीन पर, क्योंकि सरकारी स्कूल बहुत दूर था, तो अपनी ज़मीन पर वो बनाया था, और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ही आला मयार पर इस्लामी कदरों के साथ, वो एक पुरमन और आला तालीमी मयार के साथ स्कूल था। गांव था बहुत बड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई ज़्यादा सियासी एक्टिविटी थी नहीं, इसलिए कुछ से कुछ मालूम तो होता रहता था। डायरेक्ट वहाँ बहुत बड़ा किसी तरह से कोई सियासी प्रोग्राम या सियासी जलसे पर ऐसी कोई बात थी नहीं। बेइत्मीनानी की हालत, हथियार तैयार किए जाएँ, अपने आप को बचाव का इंतजाम किया जाए। फिर खासा अरसा यूँ रहा, एक महीने से ज़्यादा अरसा, हमारे गाँव के जवान तैयार होकर जहाँ जहाँ जंग होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, गांव पर हमले होते थे, तो सर पर देगी बांध कर और सीने पर तवा बांध कर वहाँ जाते थे उन उस गांव के लोगों की मदद के लिए। इस तरह से गांव में एक हिजान की कैफियत तो थी कि कुछ हो रहा है। फिर एक रोज़ शाम के वक्त बाद दोपहर ये बताया गया हमारे लीडरों ने, गांव के लीडरों ने, कि इस रात अपने गांव पर हमले का खतरा है, लिहाजा फौरन गांव खाली कर दिया जाए। तो हम वहां से निकल के नकोदर के कैंप में चले गए। मेरे फैमिली के सारे अफराद सादा साहब, छोटी सी फैमिली थी मेरे, उन दिनों मेरे वाले साहब के और मेरे दादा और दादा के भाई बाकी। तो अब यह है कि हम कैंप में रहे हैं खासा अरसा, क्योंकि घर से निकले थे जिस बुरी हाल में, अचानक
और हमारे साथ कोई मेल मेंबर था नहीं जो सामान उठा था। तो बाहर वो बड़ी मुश्किल से जैसे भी अल्लाह ने बाहर के हादसे से बचे रहे, अल्लाह का शुक्र है। कैंप के हालात नागुफ्ता वह थे। मेरा हमारा मामला ये था कि क्योंकि घर में मैं बड़ा था तो हमारे पास सोने के लिए लेटने के लिए रज़ाई का एक अबरा था और एक अम्मी के ऊपर चादर थी। रज़ाई का अबरा वो हम बिछा के तो चारों भाई उसके अंदर घुस जाते थे और अम्मी चादर लपेट के और खाने पीने का, क्योंकि सारे करीब पीछे गांव वो सारा इलाका रानियों का था, मुसलमानों का था। कुछ जवान ये हिम्मत करके उन गांव में जाते क्योंकि गांव खाली हो गए थे और उसमें खाने का सामान गंदम आटा तो ये कुछ चीज़ें वहाँ से, उनके साथ मैं भी कभी गया और उसमें एक ऐसे भी हुआ कि हम पर फायरिंग हुई कि गोरी की गर्मी का एहसास और उसकी हवा जो है मुझे अब वो अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। ज़ाहिर बात है जानवर तो भाग भूख गए थे, दूध वगैरह कुछ नहीं, अलबत्ता घरों में स्टोर सामान होता है, किसी कभी घी मिल गया किसी को, शक्कर गुड़ आटा या गंगम, और वो ला के बस मिल मिला के जैसे वो गुजारा किया है उन दिनों में। अलबत्ता ये बात खूबी की रही कि मिल मिला के सब ने ये अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजार दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान आने के लिए उस वक्त पहले ये खबरें रोज़ आती थी कि ट्रेन गई और उसको कहीं रोक के तो ट्रेन के अंदर तमाम अफराद को कत्ल कर दिया गया, एक एक फर्द को ट्रेन के अंदर या ट्रेन से निकाल के। अब यह है कि हमारे यहाँ ये हुआ कि उसको लेकिन यह है कि रोके रखा गया और फिर जब ये बयान हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी आ गई है तो हमारे कैंप पे वो जो थे हमारे अपने साथियों में गाँव के अफराद में जो जुम्मेदार थे उन्होंने फैसला किया। हमें जब इतला मिली कि ट्रेन आ गई है और वो तो ज़ाहिर बात है कि जो लोग ज़रा बेहतर सेहत में थे जवान थे वो ज़रा जल्दी निकल गए और मैं 11 साल का, तीन भाई मेरे मुझसे छोटे और मेरी वालदा, हम ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता किस जब हम पहुँचे ट्रेन पर तो ट्रेन में अंदर घुसने की जगह नहीं थी। फिर यह कि मजबूरन हमें छत पर चढ़ना पड़ा। अब ये खौफ था कि छत से गिर जाएं, लेकिन अब यह कि रिस्क लेना पड़ा और छत पर बैठ के, छत पर भी सारे भर गए इसके। और रास्ते में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ जगहों पर इतना ज़्यादा लाशें और बदबू, और ये था कि वो सारी खौफ की कैफियत उसकी तरफ देखा नहीं, जो ही ज़रा मंजर सामने आता तो हम रुक फिर लेते और आँखें बंद कर लेते। पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते हुए सब ने सजदा शुक्र अदा किया। यहाँ आके उतरे तो उसके बाद फिर एक नई कहानी कि जिस पाकिस्तान के लिए हमने ये सारा किया था, पाकिस्तान की सरहद करीब आने पर लोगों ने सजदा शुक्र अदा किया था। लाहौर में आमद हुई, पाकिस्तान में आमद हुई, हम पाकिस्तान की ज़मीन पर दाखिल हो रहे हैं और वहाँ आके ये ज़ाहिर बात है कि यहाँ जिस तरह से इस्तकबाल हुआ वो मेरा ख्याल है सब लोगों को पता है। इस तरह से लाशों के ढेर भी देखे हमने कि लोगों की लड़कियों को ज़बरदस्ती ले जाया गया, लड़कियों को रेप किया गया, ये है कि उनके जिस्म के अज़ा छातियाँ वगैरह काटी गईं उनको, ये सारी बातें इतनी आम थीं और इस बात का इम्कान था कि अगर ज़रा थोड़ा सा हम देखें तो हमें ये बताया जाए कि ये वो ख़ानदान है जिनके बच्चों के साथ ये हुआ, ये वो ख़ानदान है जिनके लड़कों को कत्ल किया गया। लेकिन यह कि ये जानने की ना हिम्मत थी और ना हौसला, हथियारों से कटे हुए हैं वो, उसे तलवार कह रहे हैं, उसे आप ग्रासा कह लेंगे चारा काटने का जो होता है, और इस तरह से कटे हुए थे। सबसे बड़ा जुल्म तो उस वक्त हुआ है और उसके बाद फिर
अमलन जी के फील्ड में सिखों ने किया है। कटेपुर लोगों से बात सुनते, हमारे यहाँ पे जवान जो थे गांव के, वो लड़ने जाते या आगे बताते क्या है। एक दहशत की भी कैफियत भी थी कि दहशत की बात देख के कब बंदा मेरा देखने का हौसला नहीं। लाहौर से रानियों का एक रिसाला निकलता था, गालबा राय ही नाम था उसका, और वो रिसाला हमारे यहाँ आता था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें उस रिसाले के जरिए मालूम होती रही। वो अंजुमन अरानिया लाहौर ने जो उन दिनों रिफाही काम बेहतर किए थे कि इस्लाह माशरा के लिए अपने हाँ यानी कब्रस्तान बनवाया गया और उसमें ओपन था कि ये यहाँ रानी बिल्डिंग बनाई गई और उसमें पूरे इंडिया से दो शख्स भी आए ठहरने का इंतजाम वो मुफ्त और उसे कानूनी मदद मुफ्त। ये इस तरह से उस रसाले में इस तरह की बातें फिर आगे हमें सारी बातें कन्वे होती रहती थी। कायदे आज़म की तकरीर एक जिंदगी का जज्बे का लोगों को उनकी कितनी बात समझ आती थी, लेकिन ये समझ भी आती थी कि ये हमारा लीडर बोल रहा है और ये सारा काम इस्लाम के लिए हो रहा है। हम मुसलमान हैं लिहाजा ये है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ और मुस्लिम है तो फिर पाकिस्तान की हमारे के लिए काम करें। और इस जज्बे ने कायदे आज़म की तकरीर अपने जगह पर, लेकिन ये है कि कभी उनका रेफरेंस कभी दूसरे लीग का, तो आवाम के अंदर एक बिल्कुल करंट रनिंग करंट थी जिसने सब कुछ जोड़े रखा। जितने बुरे हालात थे उनमें इन सब को जोड़े रखने वाली बात, उसमें बका भी और उसके लिए सर्वाइवल भी, ये सारी की सारी उस जज्बे ने। और मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि वो हिंदुस्तान के किसी जुबान को भी अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन उसे अल्लाह ने जज्बा दिया और वो आज ही उसने तरीके पर आज़ादी का झंडा उठाया। और फिर ये है कि कायदे आज़म ये सारा लखत दिया गया कौम की तरफ से, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बस उसका नाम और उसकी अगर तो बहुत कम लोगों के पास रेडियो थे, बहुत कम डायरेक्ट। अब यह है कि मुझे अपने मिलने वालों में सिर्फ दो तीन अफराद के पास रेडियो था सिंगल बैंड पर, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन उसने जितना सुना जितना किसने सुना वो एक कमाल की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे क्योंकि गांव में कोई ज़्यादा सियासी, तो इस तरह की वो कैफियत लोगों को आखिरी वक्त तक इस बात का यकीन ही नहीं था कि ये जो है ये हमारा गांव और ये इलाका जलंधर ज़िला जलंधर का ये हिस्सा ये इंडिया में शामिल हो जाएगा। लोगों को इस बात का पूरा यकीन था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि ये असल में आमतौर पर नारे लगते हैं जुलूस या जलसा या इस तरह का हो, आम मामला में आमतौर पर नारेबाजी होती रही, तो इस तरह का कुछ खास। लेकिन बात जब भी होती जहाँ भी होती उस पर ये था कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, और ये इस्लाम के हवाले से ये गुफ्तगू में एक प्रवर्ब बन गया था। और इस्तेमाल ये था कि हम पाकिस्तान बनेगा तो यहाँ पर इस्लाम नाफिज करेंगे। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव था और उसमें इत्तेफाक ऐसा कि बहुत बड़े पूरे गांव में एक मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद थी, कोई इख्तलाफ किसी तरह का, बहुत मोहब्बत के साथ। और ये आप देखें कि कैंप में आके भी मैंने आपसे अर्ज किया कि बहुत कुछ उनके अपने मुकामी अपने महाजरों के इंतज़ाम की वजह से ये सारे लोग खासे
महफूज रहे, वो मालूमात लेते रहे किस तरफ कैंप में किस तरफ से जाना है, कब जाना है और कैंप से आगे फिर लाहौर के लिए सफ़र कब करना है। तो ये बात सारी उन अपने मेरे उस लीडरशिप की साथ। बाकी ये है जी कि क्योंकि उस तरह से कोई जलसे जुलूस नारेबाजी, एक बात थी कि हमारे पाकिस्तान बन रहा है, इस्लाम के लिए बन रहा है और ये हमारा मुल्क अपना ये गांव ये हिस्सा जो है ये सारा ये पाकिस्तान का हिस्सा है। लाहौर में जी गालबन दो रोज़ या इस तरह हम जहाँ रहे और बस फिर मालूम किया कि यहाँ कहाँ जाया जाए, कुछ मालूमात यहाँ एक तो ऐसे मिलने वाले मिल गए, उन्होंने बताया कि तुम्हारे अजीज़ों में मेरी वालदा की पुपी जात वो फैमिली खानेवाल के पास उन्हें वो पहले आ गए थे तो अब वो वहाँ हैं अब रात। तो फिर हमने ये सोचा कि अब फैसला ज़ाहिर अम्मी ने करना था और वो कभी किसी बस पर कभी किसी तरह और वो कई मरलों में हम खानेवाल पहुँचे, अब जहाँ उनका क्याम था उस गांव में पहुँचे। तो इस तरह से पाकिस्तान में आके शुरू में जब मैंने आपसे बात किया कि पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते हुए सज्जा शुक्र अदा किया, यहाँ आके ये हालात ये बहरहाल कोई ऐसा जुम्मेदार उसका नहीं है कि जो इतने बड़े मॉब को रिसीव करता और इतने बेखानुमा और बेअसरा और बेसर सामान अफराद को सपोर्ट करता। पाकिस्तान में आने के बाद कोई डेढ़ दो साल हम धक्के खाते रहे। इस अरसे में फिर अब्बा जी को फौज से फारिग कर दिया गया, वो आए आके उन्होंने उस वक्त तक अब्बा जी के साथ हमारा रबता नहीं हो रहा था। तो फिर वो स्कूल टीचर की जॉब उन्होंने ले ली, तो जहाँ जहाँ वो गए और उनके साथ उनके स्कूलों में फिर मैं साहिबाल के करीब आके तो ज़्यादा तालीम जो है फिर गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल साहिबाल में हुई मेरी, मैट्रिक मैंने छोटे भाइयों ने वहाँ किया। ये आज के नौजवान को ये बताने की ज़रूरत है, मेरे लिए मुझे ऑफर हुए मेरे अपने लिए मेरे बच्चों के लिए बाहर के चांसेस, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमने तो खास और खून से गुजर के हमने तो खून और पसीना दे के ये मुल्क हासिल किया है, हमारे लिए ये मुल्क मस्जिद की हैसियत रखता है, इसको हमने आबाद करना है और इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं और देनी है और इसको चंद पैसों के लिए जहाँ से तालीम हासिल करते हैं, क्वालिफिकेशन जहाँ से हासिल करते हैं, स्किल जहाँ से हासिल करते हैं और फिर उसके बाद खिदमत जाकर दूसरों की करते हैं। अपने मुल्क का पैदावार जो है चावल सबसे अच्छा, कॉटन सबसे अच्छी, गंदम सबसे अच्छी आपकी और यह कि ये इंडिया के लोग खरीद के जाके आपके अपने नाम पर बेचें, बल्कि मौजूदा रसूल को कि पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया, उस खाक खून लाशों और जज्बात के उस पूरे वो कई मैं एक साल के लगभग वो जो है उससे हम गुजर के जिस साल में आए हैं यहाँ, अब उसको अगर ज़िंदा रखना है तो फिर लफ्ज़ों में नहीं, अल्लाह ने आपको ये एक बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है।